मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है बिल वाइज डिटेल। टैली के अंतर्गत हम जो लेन देन करते हैं, जैसे हम किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं या किसी कस्टमर को माल बेचते हैं, तो उसका हम एक बिल तैयार करते हैं और उस बिल को हम एडजस्ट करते हैं बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत। बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत बिल एडजस्टमेंट करने के 4 मेथड हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस एंड ऑन अकाउंट, जिसमें हम कंप्लीट बिल को सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको कंप्लीट बिल वाइज डिटेल करके दिखाएंगे, वो भी विद एग्जाम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगा। और मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट बिल वाइज डिटेल कवर करूंगा, जिसको अगर आपने कंप्लीट पढ़ा तो फिर आपको बिल वाइज डिटेल के लिए किसी और वीडियो या किसी और क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे आप लाइक करें तथा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास आप जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टैली क्लास को अटेंड कर पाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बिल वाइज डिटेल को विद एग्जाम्पल करके देखते हैं और समझते हैं। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टैली के मेन मेनू, गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू में हम अवेलेबल हैं। आज का टॉपिक अभी मैंने आपको बताया बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है टैली का। जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें सारे लेन देन को बिल में हम मेंटेन करते हैं और उसके लिए बिल वाइज डिटेल का बहुत ही बड़ा रोल है। बिल वाइज डिटेल बाय डिफॉल्ट कंपनी में एक्टिवेटेड होता है, बट अगर एक्टिवेट नहीं है तो हम अकाउंटिंग फीचर्स में जा करके अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन में उसको एक्टिवेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं बटन बार पे फीचर्स ऑप्शन है, चाहे हम अवेलेबल क्लिक करें या फिर हम फीचर्स पर क्लिक कर दें, गेटवे ऑफ टैली के अंदर कंपनी फीचर्स ऑप्शन आ गया जिसमें अकाउंटिंग फीचर, चाहे हम अकाउंटिंग फीचर या क्लिक करें या फिर ए क्लिक करें या फिर हम F1 क्लिक करके अकाउंटिंग फीचर, इस तरीके से जितनी भी सेटिंग्स हमें एक्टिवेट डीएक्टिवेट करनी होती है उस हिसाब से उसको हम करते हैं। इन्वेंट्रीज है, स्टेटरीज से रिलेटेड कोई भी, तो अभी हमको अकाउंटिंग फीचर्स की जरूरत है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स विंडो ओपन होकर के आ गई है। इसमें हम नीचे आते हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, इसमें आप देख रहे हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यहाँ पर एस है, कहने का मतलब ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड है। इसके जस्ट नीचे यहाँ से मेंटर करके नीचे आते हैं, नीचे एक ऑप्शन है आपका फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो। जैसे मेंटेन बिल वाइज डिटेल का यूज हम ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं, ट्रेडिंग का जो वर्क होता है व्यापार के लिए जो हम लेन देन करते हैं उसकी बिल को हम इसमें मेंटेन करते हैं। और अगर हम इसे हट के अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं उसका भी हम बिल वाइज डिटेल तैयार करना चाहते हैं तो हम फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो को भी यस कर लें। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप इसको यस करें, अन्यथा आप एंटर करके सेव करें या फिर कंट्रोल ए करके हम इस सेटिंग को सेव कर लेते हैं। स्केप करके हम बैक आ जाते हैं, हम आते हैं देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि बिल वाइज डिटेल आपको हम विद एग्जांपल करके दिखाएंगे सारी चीज़ें, जो उसके मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के सारे ऑप्शन है उसको मैं करके दिखाऊंगा। तो आप देखें ये जनरल एंट्रीज हमने एज एग्जांपल में कर रखा है, जबकि बिल को हम चाहे वो सप्लायर से रिलेटेड बिल हो या कस्टमर से रिलेटेड बिल हो, कहने का मतलब परचेजिंग किया हो या फिर सेल के लिए हो, हम दोनों में बिल वाइज डिटेल का यूज़ करते हैं। जर्नल एंट्रीज में मैंने सेल्स पर कुछ एंट्रीज बनाई हुई हैं, जैसे केसीआई ट्रेडिंग कंपनी ने राज टेलीकॉम को 5 पीस सैमसंग J5 तथा 3 पीस सैमसंग J7 बेचा, इसकी एंट्री हम करेंगे, उसके बाद उसे हमें प्राप्त हुआ उसकी एंट्री करेंगे, फिर हम कुछ और सारी, मतलब कहने का ये है कि जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में मैंने चारों तरीके बताए हैं उसे मैं इसमें कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इसमें हम देखते हैं अकाउंट्स इनको में जाते हैं, यहाँ पर लेजर्स में जाते हैं, हमने सारे लेजर्स बना के रखे हैं बट आपको एक बार मैं उसको दिखा दूं। राज टेलीकॉम से रिलेटेड लेजर मैंने यहाँ बना रखा है, नेम है राज टेलीकॉम, चूंकि हम एक सेंडिडेटर है इसे हम माल बेच रहे हैं तो यहाँ अंडर में सेंडिडेटर हो गया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन, जब हमने मेंटेन बिल बाय डिटेल को एक्टिवेट किया तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन इसमें आ जाता है जो हमने यहाँ पर यस करके रखा हुआ है। ये ऑप्शन बहुत जरूरी है और इसका यूज पार्टी लेजर में ही मेन है, क्योंकि जो लेनदार देनदार होता है डेटर या क्रेडिटर में हम इसको मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर हम यस करेंगे।
इसके नीचे ऑप्शन है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जितने दिन के लिए हम उधार देना चाहते हैं, एक लिमिट जो वैलिड टाइम है 30 डेज है या 15 डेज है या 6 डेज 60 डेज है, जो हो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पर 30 डेज एंटर करके रखा है। एंटर करते हुए हम इधर मेलिंग डिटेल वगैरह, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ये सारी चीज़ें डालेंगे, जो जरूरत होगा सारे डिटेल्स हम डालते जाएंगे। यहाँ का बैंक डिटेल दे सकते हैं। इस तरह से हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। हमने इसमें इन्वेंट्रीज में आइटम वगैरह पहले से ही बना रखा है। हम चलते हैं अब डायरेक्टली वाउचर में। वाउचर पे जाते हैं, हमें सेल करके देखना है, क्योंकि हमने एंट्री में क्या लिखा है, हमने आपको बताया एंट्री में है केसीआई ट्रेडिंग कंपनी ने राज टेलीकॉम को 5 नॉस सैमसंग J5 तथा 3 नॉस सैमसंग J7 बेचा। तो हम चलते हैं सेल करके देखते हैं। सेल्स वाउचर पे हम चले जाते हैं, F8 करेंगे, सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट F8 है। आप देख रहे हैं सेल्स है, यहाँ आपका सीरियल नंबर है, ये आपका डेट है। डेट हम चेंज करना चाहें तो हम F2 करके डेट चेंज कर सकते हैं, अन्यथा हम डेट नहीं चेंज करते हैं। 1 जून से हम सेलिंग कर रहे हैं, तो हम करके देखते हैं इसमें। ये जो रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर हम चालान नंबर या डिलीवरी चालान नंबर हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस नेम है RT-001, ये बिल नंबर हमने डाल दिया, या आप कह सकते हैं रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया। एज एग्जाम्पल पार्टी नेम में हम माल किसको बेच रहे हैं, राज टेलीकॉम को, राज टेलीकॉम को यहाँ पर हम चुनेंगे, एंटर करेंगे। ये बिल इनवाइस बनाने के लिए इसका डिटेल आ जाता है, तो इसको हम इसका डिस्कस बाद में करेंगे। लेजर हम किस लेजर पर काम कर रहे हैं, सेल्स लेजर पर। नेम ऑफ आइटम चुनेंगे, दोनों आइटम हमने बना रखा है पहले से ही स्टॉक आइटम में, सैमसंग जे फाइव का हमने 5 पीस सेल करना है हमें। इसका रेट हम रखते हैं 9,500 रुपये। एंटर करते हैं। इसके बाद हम सैमसंग J7 चुनते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं। इसका हमने 3 पीस सेल करना है, इसका रेट हम रखते हैं 11,000 रुपये। हम अपने परचेजिंग कॉस्ट से सेलिंग प्राइस को ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि उसमें मेरा मार्जिन ऐड होता है। हम एंटर करके आते हैं, अगर हमारे पास और कोई आइटम हो तो उसे हम चुनेंगे, अन्यथा एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर 8 नॉस और कंप्लीट टोटल इसका जो अमाउंट बना, एंटर करते हैं। एंटर करते ही बिल वाइज डिटेल आपके सामने, राजेश राज टेलीकॉम का बिल वाइज डिटेल आपके सामने प्रेजेंट हो गया, जिसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट, ये चारों हमें आज करके दिखाना है। हम अलग अलग तरीके से इसको समझाएंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आप देख पा रहे हैं न्यू रेफरेंस ऑप्शन पहले से ही सेलेक्टेड है। कहने का मतलब न्यू रेफरेंस ऑप्शन जो है, जो आपका परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर होता है, जो परचेज और सेल्स की एंट्रीज होती हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस सेलेक्टेड होता है। कारण क्या है, क्योंकि हम नए खाते पर जब लेन देन करते हैं तो उसे हम न्यू रेफरेंस के अंतर्गत एडजस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस चुन लेते हैं, यहाँ वही रेफरेंस नंबर जो हमने ऊपर डाल रखा है RT-001 हम यहाँ कर देते हैं। हमने 30 डेज यहाँ आपका क्रेडिट पीरियड रखा था, यह अमाउंट हो गया, इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट। मेरा जो रिसिप्ट करने का टाइम हमने दिया है इनको, 1 जुलाई तक हमें इनसे रिसिप्ट करना है। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। आपने देखा कि न्यू रेफरेंस में हम एंट्रीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हम स्केप करके बैक आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है, KCI ट्रेडिंग कंपनी ने राज टेलीकॉम इनवाइस नंबर RT-001 से भुगतान प्राप्त किया 40,000 रुपये। मान लीजिए राज टेलीकॉम ने 30 डेज के अंदर ही या 30 डेज बाद हमें 40,000 रुपये पेमेंट किया, जबकि उनका पेमेंट काफ़ी है, बट 40,000 वो भुगतान कर रहे हैं और बिल हमारा वही, चूँकि उसी बिल पर हमें एडजस्ट करना होता है। हम चलते हैं बैक करके चले जाते हैं, देखते हैं, चूँकि वो राज टेलीकॉम से भुगतान प्राप्त हो रहा है, तो हम रिसिप्ट वाउचर में जो प्राप्ति होती है कंपनी को, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, जिसका शॉर्टकट है F6। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जो रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर, जब हम भुगतान प्राप्त करते हैं या किसी को भुगतान, सप्लायर को भुगतान करते हैं,
इस टाइम में जैसे परचेज और सेल्स में न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है, वैसे यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर में अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड मिलता है। राज टेलीकॉम से हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, 40,000। आप देख पा रहे हैं बिल वाइज डिटेल फॉर राज टेलीकॉम, टाइप ऑफ रेफरेंस में आप देख पा रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब हम उसी बिल नंबर पर दोबारा लेन देन कर रहे हैं, एंटर करेंगे आप देख पा रहे हैं पेंडिंग बिल अमाउंट RT, उसी बिल नंबर का अमाउंट जो पेंडिंग अमाउंट है उनका 80,500 रुपये वो आपको सामने दिख रहा है, बट हमें प्राप्त कितना हो रहा है 40। तो जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो जो 40,000 अमाउंट आपको यहाँ दिख रहा है उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपके सामने पेंडिंग बिल का टेबल ना शो हो तो आप F12 करके इसको बिल वाइज डिटेल का एलोकेशन टेबल वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं, हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट में, अगेंस्ट रेफरेंस को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह मान लीजिए हमें राज टेलीकॉम से कैश में प्राप्ति हो रही है तो यहाँ हम कैश करके नरेशन हम डालना चाहते हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है तो आप उसे डाल सकते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने न्यू रेफरेंस कर लिया, हमने अगेंस्ट कर लिया, अब हम एडवांस देखते हैं, हम बैक आ जाते हैं। हमने उसके लिए एक एंट्री करी है, हमारा कोई कस्टमर दूसरा कस्टमर मुकेश एंड कंपनी है जिससे हम अग्रिम भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम एडवांस प्राप्त कर रहे हैं 15,000 रुपये। कंपनी प्राप्त कर रही है मतलब ये भी एक आप रिसिप्ट हो रहा है व्यापार में, तो हम फिर रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, मुकेश एंड कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, इनसे हमें प्राप्त हो रहा है 15,000 रुपये जो एक एडवांस अमाउंट है ना, हम इसको को भी कुछ माल बेचे हैं, एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं एडवांस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर के नहीं आया, क्योंकि एडवांस पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसका दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने मुकेश को ना कोई माल बेचा है कुछ किया नहीं, इसलिए यहाँ कंपनी को ये नहीं मालूम है, टैली को नहीं मालूम है कि आप इसको किस तरह के खाते में एडजस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम खुद चुनेंगे एडवांस, एडवांस चुनते ही एक ऑटोमेटिक एक आपका नेम या रेफरेंस नेम जो होता है वो आ जाता है, जिसे हम चालान नंबर भी कह सकते हैं या बिल नंबर कह सकते हैं 3, जो बाय डिफॉल्ट यही नंबर आपका इसमें आ गया, इसमें कोई ड्यू डेट नहीं दिया जाता है क्योंकि वो हमारे पास अग्रिम भुगतान कर रहे हैं, वो हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं रख सकते हैं, हम यहाँ इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। कैश में हमें प्राप्ति हो रही है तो हम कैश करके हम यहाँ नरेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब हम बैक आ जाते हैं, तो इस तरह से हमने एडवांस एंट्री की, हम चलते हैं नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारा मुकेश एंड कंपनी को 7 NOS Samsung J7 बेचा, अभी मैंने मुकेश से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया, और मान लीजिए हम मुकेश को कंपनी को चूंकि हमने एडवांस देख लिया, अब हम ऑन अकाउंट देखेंगे, ऑन अकाउंट देखने के लिए हमें उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी होगी क्योंकि हमें आपको सारी चीज़ें समझानी है। तो हम देखते हैं मुकेश एंड कंपनी को 7 NOS Samsung J7 बेचा, इसकी एंट्री हम करके देखते हैं। हम चलते हैं सेल्स वाउचर में, मुकेश एंड कंपनी चूंकि अभी हमने एक मुकेश से एडवांस प्राप्त किया है, हम चलते हैं मुकेश एंड कंपनी को माल सेल करते हैं, एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा 2 जुलाई को हम माल सेल कर रहे हैं मुकेश को, हम चलते हैं यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करते हैं, मुकेश एंड कंपनी एंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं, यहाँ सेल्स है, आप देख पा रहे हैं करेंट बैलेंस में ऑटोमेटिक 15,000 क्रेडिट में आ गया, चूंकि मुकेश ने पहले ही कंपनी को अग्रिम भुगतान करके रखा है। हम यहाँ चलते हैं नेम ऑफ आइटम चुनते हैं, सैमसंग J7 हमने चुना, 7 पीसेस हमने यहाँ 7 NOS दे दिया, आप देख रहे हैं 11,000 ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, चूंकि मेरा स्टैंडर्ड रेट जो है जो मेरी सेलिंग प्राइस है, चूंकि मैं पीछे राज टेलीकॉम को माल मैंने सेल किया है और सैमसंग J7 की जो सेलिंग प्राइस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई, इसी रेट में हम सेल कर लेते हैं। हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं चूंकि हमें केवल सैमसंग J7 हम सेल कर रहे हैं, एंटर करके हम आते हैं। आप देख पा रहे हैं न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक आ गया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि परचेज तथा सेल्स वाउचर में न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है, हम नया लेन देन ही करते हैं सेल्स परचेज के लिए, तो हम यहाँ न्यू रेफरेंस रखेंगे
हम यहाँ वही रेफरेंस नंबर जो MK-002 है वो हम यहाँ डाल देंगे डायरेक्टली, MK-002 एंटर करेंगे। मान लीजिए इन्हें हमने 15 डेज के लिए माल बेचा है, 15 डेज का जो क्रेडिट पीरियड हमने 15 डेज दिया है, 15 डेज के लिए हमने उधार दिया इनको, एंटर कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने आपने देखा मैंने एक एंट्री कर ली। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ से स्केप करके बैक आ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुकेश एंड कंपनी ने इनवाइस नंबर MK-002 का समय से भुगतान नहीं किया, जिसका अब उसे 5% मासिक ब्याज देना होगा। अब हम क्या करते हैं, मासिक ब्याज जो इनका बन रहा है वो हम इनको देना पड़ेगा, जो इनका पेंडिंग अमाउंट बच रहा है। आप जान रहे हैं कि मुकेश ने 15,000 रुपये पहले ही एडवांस दे रखा है, और इनका जो एडवांस हम आपको यहाँ से दिखाएं, हालांकि वो डिटेल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ हम आपको स्टेटमेंट अकाउंट्स पर चले जाएँ, आउटस्टैंडिंग पे जाएँ, तो लेजर से अगर हम जा करके चेक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 15,000 इनका पहले से एडवांस है, और 77,000 का माल इन्होंने हमसे खरीदा, मतलब हमने कंपनी ने इनको 77,000 रुपये का माल बेचा है। आप देख रहे हैं जो इनके पास पेंडिंग अमाउंट है, जो इनके पास हमारा अमाउंट है, जितना कैश है मेरा 62,000 रुपये। तो मान लीजिए इन्होंने समय से पेमेंट नहीं किया तो इन्हें ब्याज चार्ज इन पर किया जाएगा, एज ए पनिश किया जाएगा इनको, इन पर ब्याज चार्ज होगा। तो हम चलते हैं एडजस्टमेंट करते हैं उस एंट्री का, जर्नल वाउचर में हम जाएंगे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट को हमें एडजस्ट कराना है उनके अकाउंट पर, मतलब ऑन अकाउंट, क्योंकि हमें ऑन अकाउंट एडजस्टमेंट आप लोगों को बताना है। चलते हैं, यहाँ पर हमने चुना मुकेश एंड कंपनी। आप देख रहे हैं करेंट बैलेंस 62,000 रुपये दिखा रहा है, जो डेबिट है, जो इनसे हमें प्राप्त करना है, जो इन्होंने समय पर नहीं पे किया, इस पर अब इन्हें 5% मासिक ब्याज की दर से ब्याज भरना पड़ेगा। तो 62,000 का अगर मासिक ब्याज हम जोड़े तो लगभग 3,100 रुपये इसका आपका मासिक ब्याज बनता है। हम देख रहे हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं कि अगेंस्ट ऑटोमेटिक आ गया, बट यहाँ अगेंस्ट ना करके हम इसे ऑन अकाउंट करेंगे, क्योंकि ये जो ब्याज होगा उनके अकाउंट पर ऐड हो जाएगा। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सीआर में आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया, इंटरेस्ट यहाँ जो इंटरेस्ट का लेजर बनेगा, हम आपको कंट्रोल एंटर, किसी भी लेजर को अल्टर करने के लिए वाउचर में से ही हम लेजर को अल्टर करना चाहते हैं, सॉरी गला मेरा थोड़ा सा खराब है, किसी वाउचर से ही हम किसी लेजर को अल्टर करना चाहते हैं, तो अल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट प्रेस करते हैं। आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बना हुआ है, हम एंटर करके आ जाते हैं। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट हो गया 3,100 रुपये, जो आपका क्रेडिट होगा, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को न्यू रेफरेंस, एडजस्टमेंट, अगेंस्ट, एडवांस एंड ऑन अकाउंट, ये आपको कम्प्लीटली मैंने आज बताया। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आज हम इतना ही करके अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें इसी बिल के आगे का ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तथा जो आउटस्टैंडिंग में हमारा रिसीवेबल पेमेंट है जो हमें मिलना है, या जो पेबल है जो हमें भुगतान करना है, वो हम उसमें आपको करके कंप्लीटली दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।